नहीं करेगा, कोई काम नहीं होगा, कोई मंत्री नहीं, देश में कभी अराजकता फैलेगी, कोई काम होगा ही नहीं। और प्रधानमंत्री को दरोगा पूछेगा, ये हालत है। इसलिए हम इसको चाहते हैं, और ये क्या है कि हम लोगों की जांच होगी 10 साल पीछे की, जाने किसका दिमाग है, किसी नौकर शाह का दिमाग है, राजनीतिक दिमाग कमी नहीं कर सकते कि 10 साल पीछे, हम लोगों की 10 साल पीछे की जांच होगी। हम लोग जो जनप्रतिनिधि है, लाखों लोगों में वोट लेकर के आते हैं, तब इस लोकसभा में आ पाते हैं, और एक दरोगा आकर के हमारे पीछे पड़ेगा। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि सर्वोच्च होता है, अध्यक्ष महोदय ये भूल गए, जनप्रतिनिधि लोकतंत्र में सर्वोच्च होता है। उस सर्वोच्च जनप्रतिनिधि के पीछे ये लगाया जा रहा है, इसके बाद हम सब लोग बेईमान बैठे, ये साबित कर रहे हैं कि हम लोग बेईमान हैं, इसलिए हम लोगों की भी जांच होनी चाहिए। जांच को रोक रहा है, और जांचें हुई है क्या, शासकों को सजा नहीं मिली है क्या, विधायकों को सजा नहीं मिली है? ये वर्तमान कानून कोई गंभीर है कानून, उसके चलते सबको सजा मिली है, विधायकों को भी सजा मिली है, शासकों को भी सजा मिली है, फिर जरूरत क्या पड़ गई ये दिखाने के लिए? और दोनों दल उम्मीद थी विपक्ष दल से ये तो करेंगे, लेकिन विपक्षी दल तो ऐसा पिछलग्गू बन गया, सरकार के पता नहीं क्या स्वार्थ है, ये तो आप ही बता सकते क्या स्वार्थ है। अरे आप तो करेंगे मनमानी, ये पीछे पीछे लगे फिर रहे, पता नहीं क्यों लगे रहे, ये विपक्ष की भूमिका निभाई नहीं रहे, हम लोगों की राय नहीं ले रहे, और जैसा बैठे जाने क्या हो गया, इतने डरपोक हैं, अब पता नहीं क्या अपने नेता से बात नहीं करते हैं, टिकट कट जाएगा घर में दे दूंगा, अरे टिकट कहा सब बड़ी बात है। इसे मैं आपसे कह रहा हूँ, गंभीरता से लीजिए स्पीकर साहब, आप गंभीरता से लीजिए, ये आपको मैं बता रहा हूँ कि ये इंस्पेक्टर जब प्रधानमंत्री जी से मैंने कल कहा था, इंस्पेक्टर प्रधानमंत्री से पूछे जाएगा, बुलाएगा, आप दीजिए आकर के सबूत, सफाई दीजिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अब भी समय है, और विशेषकर आग्रह मेरा सोनिया जी से है, सोनिया जी सुनिए, आपसे है आग्रह, आप इसको विड्रॉ कीजिए। मैं आप बता रहा हूँ, ये देश में के इतिहास में लिखा जाएगा कलंक, काले अक्षरों में लिखा जाएगा, ये ऐसा कानून बनेगा, क्या जरूरत क्या पड़ गई? वर्तमान कानून कितना कड़ा है, उसके चलते फांसी दी जा रही, सजा दी जा रही, राजनीतिक लोग जेल में जा रहे हैं, सब तक मुकदमा चल रहा है, ये किस बात के लिए है? इनकी बात मानोगे? ये आपके ये पूरे देश के बंटवारे के लिए काम कर रहे हैं, पूरा का पूरा गलत काम कर रहे हैं, इनके कुछ क्यों नहीं कर रहे, तो क्यों बैठे गुलाम बने, ये गूंगा बने क्यों बैठे? ये कोई परमात्मा के देवता है, अपनी बात करिए। इसे मैं कह रहा हूँ कि माननीय अध्यक्ष महोदय आप ही मदद कर सकती हैं कि लोकपाल बिल को वापस लीजिए, वरना देश में अराजकता होगी, कोई कलम चलाएगा नहीं, डर की वजह से क्या फंसेंगे, और जनता परेशान होगी, काम नहीं होगा, न विकास होगा, न आगे फाइट चलेगी, ये आएगी स्थिति देश के सामने। इसे आप लोग विचार कीजिए, और विचार करके सफदली बैठे बुला के सुन लीजिए, दोबारा बिल भेजी लाइए, एक बार हम लोग से मिल करके बातचीत करिए, और बातचीत करने के बाद आप आगे सत्र में आना, अगर बेहतर सोचते तो सुझाव मेरे मान लेना। इसे मैं चाहता हूं कि आज इसको वापस लीजिए, ये मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय, और इसलिए इस बिल के खिलाफ गंभीर हम का लेते हुए बहिष्कार करते हैं। जी 24 तास एक पाउल पुढ़े।